कांग्रेस का इतिहास रहा है जिसने भी जुबान खोली उसकी कहानी खत्म, और जिसने गांधी परिवार की सेवा की उसे मेवा खाने को मिला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठक के दौरान चिट्ठी कांड से कांग्रेस स्वामिनी सोनिया गांधी आहत हैं और धीरे धीरे उनके गुर्गे चिट्ठी लिखने वालों के खिलाफ हमला कर रहे हैं और कांग्रेस की राजमाता अपना मूक समर्थन दे रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद पर कांग्रेस कार्यकर्ता हमलावर थे, अब नंबर आया है गुलाम नबी आजाद का। चिट्ठी पर कांग्रेस नेता और पूर्व विधान परिषद सदस्य नसीब पठान ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पार्टी से बाहर निकाल देने की मांग की है। नसीब पठान ने कहा कि पार्टी ने आजाद को बहुत कुछ दिया लेकिन आजाद ने वफादारी नहीं की। संगठन में व्यापक बदलाव और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग को लेकर सोनिया को पत्र लिखने वाले नेताओं में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आजाद भी शामिल थे। वहीं कपिल सिब्बल भी जल्द ही कांग्रेसियों के ही विरोधी हमले में गिरने वाले हैं। कपिल सिब्बल ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि ऐसे समय में जब कांग्रेस अपने ऐतिहासिक रूप से सबसे खराब दौर से गुजर रही है, 2014 और 2019 के परिणाम ये दर्शाते भी हैं, पार्टी को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो 24 घंटे काम करने में तत्पर रहे। जाहिर है कपिल सिब्बल का सीधा हमला सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार पर है। कपिल सिब्बल उन 23 नेताओं में शामिल है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व बदलने समेत व्यापक सुधार की मांग को लेकर विवादास्पद चिट्ठी लिखी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 7 अगस्त को चिट्ठी लिखी गई थी। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि पार्टी के संविधान के मद्देनजर संगठन की कुछ चीजों को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। मुझे पार्टी और इसके संविधान का थोड़ा ज्ञान है। कांग्रेस में दबी जुबान से कहा जाने लगा है कि कांग्रेस इस हालत में नहीं है कि ये कहा जा सके कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में 400 सीटों पर जीत मिलेगी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को जरूरत के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई थी। बहरहाल चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं में से 4 गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा और जितिन प्रसाद CWC के सदस्य हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य वरिष्ठ नेताओं में कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, भूपिंदर सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान शामिल हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस स्वामिनी अपने इन बागियों के खिलाफ क्या मूक षड्यंत्र रचती हैं।